The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेटाबॉलिक पैनल टेस्ट का। ऐसे टेस्ट जो ऐसी चीजें चेक कर सकते हैं जो आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम तो नहीं है, आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट, आपके मेन ऑर्गन्स की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम तो नहीं है, आपके अंदर कोर एलिमेंटल चीजों में कहीं दिक्कत तो नहीं है। सो व्हाट इज मेटाबॉलिक पैनल? इसमें बेसिकली 8 अलग अलग चीजों का टेस्ट होता है आपके शरीर के अंदर, और इसके बारे में आपको समझना जरूरी है कि आपके शरीर की बॉडी के केमिकल बैलेंस और मेटाबॉलिज्म जो है उसके बारे में जानकारी मिलती है इस मेटाबॉलिक पैनल टेस्ट से, और आपके शरीर किस प्रकार से खाने पीने को, एनर्जी को प्रोसेस करेगा, उस चीज को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म है खाने पीने को, एनर्जी को यूज करना, और जो आप खाते हो वो स्टोर होना या वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होना, फैट का बनना, इस पर डिपेंड करता है। आप मोटे हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। आप एनर्जी यूज कर पा रहे हैं या नहीं, आप बहुत ज़्यादा थक रहे हैं, आपको एनर्जी महसूस नहीं हो रही, आपको कमजोरी महसूस हो रही है, इन सब चीज़ों पर बहुत फर्क पड़ता है। तो ये टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेटाबॉलिक टेस्ट में क्या क्या आता है? ग्लूकोज टेस्ट किया जाता है कि आपके शरीर में ग्लूकोज एक मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। कैल्शियम टेस्ट किया जाता है, जो आपके शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल। आपके शरीर के हड्डियों में कैल्शियम होता है, आपने सुना होगा, लेकिन कैल्शियम आपके नसों की फंक्शनिंग के लिए, नर्व कंडक्शन के लिए, मांसपेशी के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए, हार्ट के फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है। आपके अंदर सोडियम, पोटेशियम, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोराइड का, इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल कैसा है, ये बहुत जरूरी है, जो कंट्रोल करता है आपके बॉडी के अंदर एसिड बेस बैलेंस को, और कंट्रोल करता है कि आपके शरीर के सारे जो दरवाजे हैं, गेट्स हैं, वो खुलेंगे कैसे खुलेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए भी, एक एक चीज इन एलिमेंट्स पे, इन चीजों पे डिपेंड करती है। बन ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो आपके खून से निकलते हैं आपके किडनी द्वारा। इसके टेस्ट से भी पता चलता है कि आपकी किडनी सही से काम कर रही है। मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, यानी खाना बनने के बाद कचरा बाहर फेंक पाओगे कि नहीं, बेसिकली समथिंग लाइक दैट, वरना कचरा इकट्ठा हो जाएगा, सोचो किचन का क्या हाल होगा। सेम थिंग हियर। सो ये जो टेस्ट हो गए, तो इनमें ये सारे टेस्ट इंक्लूड होते हैं, ग्लूकोज, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोराइड, बन यूरिया, क्रिएटिन और नाइट्रोजन और क्रिएटिन, ये 8 टेस्ट मिलके हम बेसल मेटाबॉलिक पैनल बोलते हैं। तो बेसल मेटाबॉलिक पैनल जो होता है उसके अंदर आपकी किडनी फंक्शन, आपके फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, आपके ब्लड शुगर लेवल्स, आपका मेटाबॉलिज्म, इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। और याद रखिए कि कई बार एक ये रेगुलर टेस्ट में, जनरल हेल्थ चेकअप्स में पकड़ लिए जाते हैं, कई बार इनके लिए किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, किसी को किडनी डिजीज है, किसी को कोई भी क्रोनिक डिजीज है, उसमें उनको ये सारे टेस्ट कराने जरूरी हो जाते हैं। ऑब्वियसली ये सिंपल सा टेस्ट होता है, ब्लड लिया जाता है, ब्लड लेने के बाद में आपका टेस्ट किया जाता है। कई बार आपको फास्टिंग टेस्ट करने के लिए भी बोला जा सकता है, तो वो भी एक ऑप्शन होता है। टेस्ट के रिजल्ट्स कैसे चेक करते हैं? अगर आपके एबनॉर्मल रिजल्ट्स हैं तो वो एबनॉर्मल रिजल्ट्स किसी ना किसी बीमारी की तरफ इंडिकेट करेंगे। ज़्यादा चांसेस होते हैं इन चीज़ों में बीमारी है तो आपको किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, सांस की प्रॉब्लम हो सकती है, शुगर और उसके कॉम्प्लिकेशंस में कुछ हो सकता है। तो ऐसे की चीज़ों के लिए और टेस्टों की जरूरत पड़ती है डायग्नोस करने के लिए कि भाई आपको क्या हो रहा है। अगर आपके इन चीज़ों के बारे में एबनॉर्मल टेस्ट आ रहे हैं तो अपने डॉक्टर से बात करें, आगे इवेल्युएट करना ज़रूरी है। इसी तरह से कॉम्प्रिहेंसिव मेटाबॉलिक पैनल भी आता है, जिसमें ये सारे टेस्ट के साथ और भी टेस्ट होते हैं, उनमें प्रोटीन लेवल्स, लिवर एंजाइम्स, जिसमें और भी पता चलता है कि आपका लिवर सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि लिवर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके मेटाबॉलिज्म को के अंदर, आपके फूड मेटाबॉलिज्म के अंदर, डाइजेशन के अंदर। सो कॉम्प्रिहेंसिव मेटाबॉलिक पैनल, लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन प्लस ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड। सो कॉम्प्रिहेंसिव में क्या आएगा? ग्लूकोज, कैल्शियम, अल्ब्यूमिन उसमें आएगा। अल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है जो आपकी किडनी से बनते हैं, इसमें 14 अलग अलग चीजें होती हैं, और सोडियम, पोटेशियम, कार्बन तो रहेगा ही, टोटल प्रोटीन, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, एलानिन ट्रांसमाइनेज एंड अस्पार्टेट ट्रांसमाइनोज भी, जो डिफरेंट एंजाइम्स हैं जो लिवर से बनते हैं। बिलीरुबिन जो है वो एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो आपके लिवर से बनता है, और बाकी किडनी फंक्शन का बन क्रिएटिनिन तो होगा।
ये आपके लिवर किडनी दोनों फंक्शन को बताता है, ब्लड शुगर लेवल्स को देख सकता है, आपके इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस के साथ साथ आपको मॉनिटर कर सकता है, कोई दवाइयां अगर आपको दे रहे हैं दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, उन चीजों को भी ये मॉनिटर कर सकता है। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। कॉम्प्रिहेंसिव मेटाबॉलिक पैनल भी एक बेटर टेस्ट है बेसिक पैनल से। तो ये दोनों ही आप करवा सकते हैं, दोनों में एबनॉर्मलिटीज को देखते हुए पता चलता है कि शरीर के अंदर कहाँ गड़बड़ आ रही है, शरीर के अंदर कहाँ गड़बड़ है, क्या प्रॉब्लम है, उसको देख के फिर आपका प्रॉपर इलाज किया जा सकता है। आपको बीमारी क्यों है, आप मोटे क्यों है, वो सब देखा जा सकता है। आई होप आपको समझ आया। प्लीज शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। टेक केयर, आई सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।